तो हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपने लिए एक प्यारा सा घर, क्योंकि आप मेरे पीछे वो देख ही सकते हो कितना छोटा घर है और वो दिखने में भी बहुत अच्छा नहीं है और उसमें स्टोरेज की भी बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि उसके अंदर मैं चेस्ट ज़्यादा रख नहीं सकता। सो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाऊँगा। तो उसके लिए ये जगह बहुत परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने पूरे ये इतना कैसे किए चीटिंग वीटिंग की है, चीट यूज़ किए, सो वो यूज़ नहीं किया है। सो ये देखो सारा सामान यहाँ पे और ये स्मेल्ट करके लिया गया है, मेरे को कोई सिल्क टच नहीं और ये नॉर्मल सा स्टोन वहाँ पे स्मेल्टिंग का है ना, मतलब स्मेल्टर है अभी तो चालू है। सो ये मैं स्ट्रीम में क्लियर की थी। तो अभी मैं घर जो बना रहा हूँ अपना वो यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इतना एरिया इसमें घर लगेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर यहाँ पे मतलब अपने लिए एक वॉच टावर बनाऊँ जिससे मैं पूरी एरिया को वॉच कर सकूँ। सो यही आज की इस वीडियो में हम करेंगे। सो अभी स्टार्ट करता हूँ गाइस, और आपके लिए तो ये एक सिनेमैटिक होगा, सो सिनेमैटिक एंजॉय करो।
तरफ जा रहा हूँ, तो ये बेस है एक्चुअल में भी देखा जाए तो इसे मैं बेस की तरह यूज़ करूँगा। सो यहाँ से एक बेड ले लेता हूँ मैं, चेस्ट की कोई बात नहीं, चेस्ट तो रहने देता हूँ। और यहाँ पर कुछ वुड है, यहाँ पर एक चेस्ट पड़ी हुई है, वुड मेरे पास है, तो ऐसे मैं क्राफ्टिंग टेबल ले लेता हूँ और कुछ फर्नेस को भी मैं ले लेता हूँ। सो अभी यहाँ पे कुछ कोल की रखता है, सो एक सेकेंड है ना मुझे रखने दो, कोल को रख दिया है। और मैं कुछ लैंटर्न भी बना लेता हूँ या फिर रहने देता हूँ। सो अभी हम उसमें टॉर्च ही लगाएंगे, सो एक सेकेंड है ना गाइस मुझे। हाँ तो गाइस अभी हम इसमें कहाँ पे जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, हाँ तो सबसे पहले यहाँ नीचे चलते हैं और यहाँ पे कुछ लाइटिंग लगा देते, लाइट्स तो मैं तो यहाँ पे लगाऊंगा सीधे लाइट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नीचे ये अपना नॉर्मल स्टोरेज रूम होगा। और यहाँ पे अपने कुछ फर्नेस भी लगा देते, तो फर्नेस तो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, तो तीन है ना, तो उसे कैसे लगा सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे ऐसे लगा देते तीन फर्नेसेस। तो ये अपने फर्नेस हो चुके हैं। और कुछ चेस्ट भी बना देता हूँ मैं, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल है, तो यहाँ पे मैं अपने लिए कुछ नहीं होंगे गाइस, तो कुछ वुड बना लो और इससे छः बन चुके ज़्यादा। तो यहाँ पे तो एक बच गया है, तो इसके लिए मैं एक चेस्ट ढूंढता हूँ, मतलब मिल गई तो अच्छा है, तो इसमें तो कुछ है नहीं ना, तो ये तो चेस्ट लगा देता हूँ वहाँ पे। सो ये सो इतने ही होगा स्टोरेज सिस्टम। और यहाँ पे मैं बैरल लगा दूँगा, अभी के लिए तो इतने ही गए, अभी बाद में मैं ऑफलाइन लगा कर दूँगा। और यहाँ मेन अपनी जो कोई बात नहीं गाइस, हम बीच में रख देते अपना बेड। सो तो कह रहा हूँ यस, सो येलो को रहना है, वो भी राइट अपने पास रख देता हूँ। यहाँ पे कुछ ज़रा ऐसे चेंज करता हूँ, मतलब सो मैं इसे ऐसा रख देता हूँ गाइस, वैसे अभी तो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो मेरे पास कुछ कारपेट पड़े होंगे, सो उन्हें लेके आता हूँ मैं, तो वहाँ पे कुछ कारपेट होंगे, देखता हूँ एक बार। सो यहाँ पे एक भी कारपेट नहीं गए, तो एक सेकंड देना मुझे, मैं कारपेट ले काम करता हूँ। सो ये अपना चालू हो चुका है, सो यहाँ से कुछ कारपेट ले लेता हूँ मैं, तो इतने कारपेट को लेके अभी सीधे अपने घर में चलते। तो ये रहा अपना बेड, सो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं इसे करके, सो अपना बेड हो चुका है। सो अपना क्राफ्टिंग टेबल को मैं यहाँ रख के रख दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, मैंने एक ग्लास लगाया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने सिम के ग्लास लगाया हुआ है, और ये उल्टा लग रहा है, शायद से उल्टा है,
ये एक सेम रियल है क्योंकि मैंने उस साइड से लगाया था। सो यहाँ पे भी गाइस अपना इंचेंटिंग रूम आएगा, तो यहाँ पे अपना आर्मर रूम आएगा जैसे कि अभी मैंने पहना है। सो यहाँ पे अपने नॉर्मल आर्मर आएंगे जो डायमंड के होंगे फ्यूचर के लिए। और यहाँ पे क्या किया? लगा देता हूँ यहाँ पे स्टोन लगा देता हूँ क्योंकि अभी मेरे उसमें वुल है नहीं, मैंने अपने नीचे रख दिए वुल पता नहीं क्यों, बट या फिर मेरी वुल खत्म हो चुकी है। एक्चुअली में मेरी वुल खत्म हो चुकी है, नहीं है शायद से, तो 7 वुल है मेरे पास। तो और आज की इस वीडियो में इतने जगह, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। लेकिन एक सेकेंड, इसको तो फिक्स करना था पहले, तो ये इसको फिक्स कर दिया। सो अभी नीचे चल रहा हूँ मैं, तो यस। और यहाँ पे मैं अभी सोच रहा हूँ, एक सेकेंड रुको, नेक्स्ट टाइम नहीं अभी कर देता हूँ क्योंकि बाद में पता नहीं भूल जाऊँगा मैं। तो बेसिकली वहाँ पे हमारा ये आएगा, तो अभी भाई पता नहीं है गाइस यार कहाँ पे गायब हो रहे थे ये फ्रेंड्स थे यार। एक्चुअली वो सारे फ्रेंड्स खत्म हो चुके थे या फिर रुको गाइस, लगता है मुझे मैं नीचे उनको रख के आ गया, बहुत सारा आइटम मैं नीचे रख के आ गया हूँ। सो यस ये अपने भूल भी थे यार। अब मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ स्लैब्स और इनको लेके सीधे ऊपर चलता हूँ मैं। और गाइस मुझे कमेंट करना आपको मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं, और इस फ्रेंड्स को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। सो यस अपने फ्रेंड्स लग चुके हैं। क्योंकि कुछ बटन बना लिए जाए क्योंकि इस पर अच्छे लगेंगे। तो इन सारे वुड को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और बटन बना देता हूँ और इसको वापस से रख देता हूँ। तो टोटल 9 है, तो यहाँ पे हर एक के ऊपर एक आएगा बटन, तो हर एक के ऊपर एक बटन लगा देता अभी। यहाँ पे भी एक आएगा, यहाँ पे राइट। सो एक बार मैं आपको उसका व्यू दिखाता हूँ, ये ऐसा कुछ लग रहा है नॉर्मल सा घर। और ये मेरी खुद की आइडिया है, मैंने कुछ चुराया वुराया है नहीं। और यहाँ पे मैं ग्लास के ये लगा देता हूँ, तो ऊपर लगा देते हो, यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, ऊपर लगा देता हूँ तो यहाँ पे दो ये लग चुके और काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। सो इसके अपोजिट में बना देते हैं यहाँ पे। सो यस एक्चुअली में अपोजिट है या नहीं पता नहीं, लगता है टॉर्च लग रहा है। सो यस और काफ़ी मस्त है। और यहाँ पे मैं सोचो फुल साइज में अभी रहने लगे अभी के लिए। और यहाँ पे एक मस्ती विंडो आएगी जो कि नॉर्मल होगी, तो उसे मैं ऐसा कुछ बनाया था। सो यस ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो
तो तब तक के लिए मेरी पुरानी वीडियो देखो, और अभी मैं कट कर देता हूँ एक सेकेंड। और सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तो तब तक के लिए बाय बाय।